साथियों, गौर परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति बनाते हैं। वो खुद के लिए, अपने कुनबे के लिए नोटों के ढेर लगा देते हैं। इन परिवारवादियों की कोशिश रही है कि सारी सुविधाएं, सारे साधन उनके परिवार के लोगों के पास ही रहे। वो गरीब की परेशानी कभी नहीं समझते, गरीब की तकलीफ कभी नहीं देखते। ये लोग अगर बीमार पड़े तो इनके पास इलाज के लिए अच्छे से अच्छे इलाज की सुविधा होती है। विदेश जाना है तो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन गरीब जब बीमार पड़ता है तो इसका इलाज का खर्चा उसको तो बेचारे को कर्ज करके चुकाना पड़ता है, उसकी मुसीबतें बढ़ा देता है। और इसलिए ही हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना बनाकर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो 5 लाख रुपए की सुविधा है ना, मेरे गरीब परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर से गंभीर बीमारी उसको हो गई, बड़े से बड़े अस्पताल में भी जाना है तो भी 5 लाख रुपए तक का खर्चा मोदी करेगा, आपके लिए करेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको मुंबई के अस्पताल में जाना पड़ा, अहमदाबाद के अस्पताल में जाना पड़ा, चेन्नई के अस्पताल में जाना पड़ा तो भी खर्चा मोदी उठाएगा, ये मैं आपको भी विश्वास देता हूं। आज हम गरीब के लिए यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। यूपी में आधुनिक अस्पताल खुलवा रहे हैं।